हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो दोस्तों, आई एग्जाम बी के सेकेंडरी कल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो गाइज, जैसा कि हमारी एक रिविजन सीरीज चल रही है FSSAI एग्जाम को लेकर, तो इसी सीरीज में आज सेवन्थ वीडियो है, यानी कि सेवन्थ ये सेशन है आप लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी सेशन दिए जा रहे हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें। हर एक सेक्शन की वीडियोज़ आपको यहीं पर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। राइट, तो स्टार्ट करेंगे इसको। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वन टू क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन तो 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू क्वेश्चंस तक इस सेक्शन से पूछे जा सकते हैं, और जो जनरली जो लगता है वो एक क्वेश्चन का ही लगता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, और जो हम आज डिस्कस करेंगे एनालॉजी में भी, वो हम करेंगे जनरल नॉलेज बेस्ड, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो आती है वो ज्यादातर जनरल नॉलेज बेस में आती है। अगर आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं तभी आप उनके आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस की जो जो ये जनरल नॉलेज वाली जो एनालॉजी होती है, इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको स्टेट कैपिटल्स, कंट्रीज करेंसी, कंट्रीज कैपिटल, नेशनल पार्क या फिर स्पोर्ट रिलेटेड टर्म्स, ये सब चीजें आप याद कर लें कहीं किसी जीके बुक से। कोई भी आप जीके बुक, नॉर्मल जीके बुक आप कंसीडर कर सकते हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होती हैं ये आपकी कंप्लीट जनरल नॉलेज पे बेस होंगी। अगर आपको वो चीजें पता है तभी आप आंसर इनका कर पाएंगे। हालांकि एनालॉजी जो होती है वो नंबर वाली भी होती है, अल्फाबेट्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप की होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज बेस्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, सभी इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे लेक्चर की। आपको जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, फर्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, दो चीजें आपस में दी है, उनका कुछ ना कुछ किसी तरीके से रिलेशन होगा। ठीक है, और उसी रिलेशन को आपको अप्लाई करना है जो उसके आगे एक टर्म दिया होगा उसमें, और उसका सेम रिलेशन के बाद क्या चीज आएगी वो आपको बतानी है। ठीक है, जैसे इससे समझते हैं क्वेश्चन से इसको। तो यहाँ पे लिखा है लक्षद्वीप और कवरत्ती। अब लक्षद्वीप कवरत्ती से किस प्रकार, किस तरह से रिलेटेड है, या फिर कवरत्ती लक्षद्वीप से किस तरह से रिलेटेड है, पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हो, कैपिटल्स में पढ़ा हो, तो यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल है कवरत्ती, लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड वाला जो भी वर्ड लिखा है वो फर्स्ट वाले का कैपिटल के सिटी है। तो यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल जो भी होगी वो उसका आंसर हो जाएगी। तो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या होती है, तो ये होती है पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। ये है फिजिशियन ट्रीटमेंट। फिजिशियन जो कि एक तरह का डॉक्टर है, डॉक्टर का ही एक फील्ड है फिजिशियन, वो करते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, जो फिजिशियन होगा वो ट्रीटमेंट करेगा, उसी बेसिस पर जज क्या करेगा। जिस तरह से फिजिशियन रिलेटेड है ट्रीटमेंट से, उसी तरह से जज से रिलेटेड कौन है। तो फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, जज क्या करता है, जज करता है जजमेंट। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उस तरह से नहीं सोच पाते, ऑप्शंस काफी सिमिलर होते हैं, तो वहां पर हम मिस्टेक कराते हैं। तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसमें। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। सर्कल, सर्कमफेरेंस, स्क्वायर रूट। सर्कल अगर सर्कमफेरेंस से रिलेटेड है, उसी तरीके से स्क्वायर से क्या रिलेटेड है। तो हम जानते हैं सर्कल अगर सर्कमफेरेंस की बात करें तो लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कल की आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है उसको ही सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल की। उसी तरह से स्क्वायर की जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन है वॉल्यूम, एरिया, डायगोनल या फिर पेरीमीटर। तो जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है, अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो जिस तरह से सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस आउटर बाउंड्री की लेंथ, इस तरीके से स्क्वायर के लिए आउटर बाउंड्री की लेंथ जो होती है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्लियर, नेक्स्ट। स्मोक, पॉल्यूशन, वॉर, व्हाट। स्मोक रिलेटेड है पॉल्यूशन से, उसी तरीके से वॉर से क्या रिलेटेड है। ठीक है, तो स्मोक क्या करता है, पॉल्यूशन करता है। स्मोक की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो वॉर की वजह से क्या होता है, ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन, ट्रीटी, विक्ट्री या फिर पीस। तो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड ढूंढ सकते हैं इसमें से। डिस्ट्रक्शन है हमारा, डिस्ट्रक्शन करता है, विनाश करता है, क्या, वॉर। क्लियर, नेक्स्ट। टाइपिस्ट, टाइपराइटर, राइटर, व्हाट। टाइपिस्ट जिस तरह से टाइपराइटर से रिलेटेड है, या फिर टाइपराइटर जिस तरह से
टाइपिस्ट से रिलेटेड है उस तरीके से, राइटर किससे रिलेटेड है या फिर कौन सा वर्ड राइटर से रिलेटेड है ये बताना है। तो टाइप राइटर और टाइपिस्ट, तो क्या रिलेशन दिख रहा है कि टाइपिस्ट टाइप राइटर का यूज करता है अपने वर्क करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से राइटर किस चीज का यूज करेगा अपना वर्क करने के लिए, ऑप्शन है बुक, पेपर, स्क्रिप्ट या फिर पेन। तो क्लियर है कि जो राइटर होगा वो पेन का यूज करेगा लिखने के लिए, तो यहां पर हमारा पेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुक पब्लिशर फिल्म व्हाट, बुक जिस तरह से पब्लिशर से रिलेटेड है या फिर पब्लिशर जिस तरह से बुक से रिलेटेड है, उस तरीके से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा फिल्म से रिलेटेड होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर या फिर राइटर। तो देखिए पब्लिशर जो होता है वो बुक को पब्लिश करता है, मार्केट में लाता है, ठीक है, जो मार्केटिंग वगैरह जो भी होती है मार्केट में लाता है पब्लिश करके बुक को। आइडिया जो होता है वो उसके पीछे काफी लोग होते हैं, राइटर भी होता है बुक के विषय, एडिटर भी होता है, लेकिन पब्लिशर क्या काम करता है उसको मार्केट में लाने का, उसको ऑन ग्राउंड लाने का काम करता है। उस तरीके जो फिल्म होती है उसके लिए उसको तैयार करने में भी अलग लोगों की भूमिका होती है, जैसे कि डायरेक्टर हो जाते हैं हमारे, एडिटर और एक्टर वगैरह ये सब अलग हो जाते हैं चीज़ जो फिल्म को बनाने में लाती है, लेकिन फिल्म को बना के एक तरीके से पब्लिश करना जैसे बुक को होता है, उस तरीके से फिल्म को लाना सामने मार्केट में लाना वो कौन करता है, वो करता है हमारा प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर हमारा प्रोड्यूसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस इसमें और भी क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे हैं इस पूरी पीडीएफ में, तो आप इस वीडियो की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इनके आंसर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देना ताकि एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ कि हाँ आपके आंसर ठीक है या नहीं, राइट। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन बचे हैं, तो गाइस लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो आपको एक्चुअल आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं या फिर अब तक की तैयारी आपकी कैसी है वो आपको बताती है, और वो बहुत जरूरी है। अभी एक हफ्ता है, एक हफ्ते में आप आराम से तीन चार मॉक लगाइए, क्योंकि और उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद ये नहीं है बस मॉक टेस्ट हो गया खत्म, नहीं, उसको सबमिट जब हो जाए उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं उन पर आप दोबारा से काम कीजिए, एक बार दोबारा से उनको सॉल्व कीजिए, हो जाएंगे आराम से, टाइम लीजिए और नेक्स्ट मॉक में फिर कुछ और स्ट्रेटजी के साथ उसको सॉल्व कीजिए। इस तरह के आप प्रैक्टिस में भी रहेंगे मॉक की, तो क्या होगा एग्जाम में भी, क्योंकि आपको वही करना है, तो एक प्रैक्टिस में रूटीन में ही वो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, आपको एग्जाम में कुछ अलग एटमॉस्फेयर फील नहीं होगा, आपको हेजिटेशन नहीं होगी एग्जाम हॉल वाली, वो जो फोबिया है वो नहीं होगा आपको एकदम से, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अब ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये हमारी वेबसाइट पर www.iexamb.com आप विजिट करेंगे, वहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट नाम से एक टैब मिलेगा जिसके अंदर हमारे सभी मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप जाइए, वहां पर FSSAI को सर्च कीजिए या फिर वहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देखेंगे तो ये फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आप इसको अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। तो इन मॉक्स को अटेम्प्ट कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, और जो भी कोई डाउट हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर, राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।